जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, नई सीरीज की स्टार्ट करते हैं और उसमें जो है वक्री ग्रह के बारे में बात करेंगे। और प्रथम शुरुआत करते हैं बुध से। बुध जो वक्री होते हैं किसी की भी पत्री में, किसी की भी जन्म पत्रिका में, तो किस प्रकार का फल देते हैं। फिर बात करेंगे जब वो अलग अलग घर में बैठे होंगे पत्री के, पहले से लेके 12वें घर तक जब वक्री बुध बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं उसके लिए अति आभार है आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाले गए, पोस्ट किए गए सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको किसी भी प्रकार की कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, आपको अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना हो, मेरे नंबर फ्लैश होते रहते हैं वीडियो में भी हमेशा, और हमेशा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, वक्री ग्रह जो है एक स्थिति है, और उसको ये हम लोग क्यों होती है, उसकी क्या वजह है, शायद इसका जो है आप लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको समझने की आवश्यकता है कि जो वक्री ग्रह होता है वो आपको किस प्रकार से फल देता है। वक्री ग्रह हमेशा बुरा फल देते हैं, वक्री ग्रह हमेशा ही अच्छा फल देते हैं। देखिए, ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, उनकी जो है वो बात डिपेंड करती है कि वो कौन से घर में बैठे हुए हैं। नॉर्मली जैसे कोई भी ग्रह बैठा होता है, उच्च का होता है, नीच का होता है, किसी प्रकार की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही होती है खराब, उसी प्रकार से जो वक्री ग्रह भी होते हैं वो भी आपको फल इसी प्रकार का देते हैं। हाँ, इसमें फर्क क्या आ जाता है कि जो फल देने की उनकी तीव्रता है उसमें फर्क आ जाता है। अच्छाई में बहुत ज़्यादा अच्छा फल दे सकते हैं और बुराई में देने के समय बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देते हुए देखे जाते हैं दोस्तों वक्री ग्रह। इसीलिए इतना समझने की आवश्यकता है आप लोगों को कि वक्री ग्रह जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, उनकी एनर्जी अलग से समझने की आवश्यकता होती है। वो आपसे क्या चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं और आपको किस तरीके से काम करवाना चाह रहे हैं नॉर्मल ग्रह से अलग, तो आप लोगों के लिए ये जानना दोस्तों इतना आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी की भी जातक की पत्री में बुध ग्रह वक्री बैठे होते हैं तो किस प्रकार का वो आपको फल प्रदान करते हैं। वक्री बुध जब किसी की पत्री में बैठे होंगे तो कौन कौन सी उनके अंदर आदतें हैं, जो चीज़ें हैं एक नॉर्मल बुध के बैठने से अलग हो सकती हैं। देखिए, किसी की पत्री में वक्री बुध तभी होंगे जब ये माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से, जो किताबें लिखी गई हैं विद्वानों के हिसाब से, कि जब पहले जन्म में जो जन्म में विश्वास रखते हैं तो पिछले जन्म में किसी जातक ने जब कोई बोलने सुनने समझने में, आपस में नेगोशिएशन करने में, आपस में जो है किसी तरीके की साझेदारी करने के समय अगर उसने कहीं गलत बोला हो, उसके मुंह से गलत चीज़ें निकली हों, उसके डिसीजंस गलत हो गए हों, उसकी वजह से कई लोगों को जो हो अपमान का सामना करना पड़ गया हो उनके बोलने की वजह से, तब इस जन्म में आपको वक्री बुध प्राप्त होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको जान लेना, जो आपको ये बताएगा कि अच्छा, मेरे गलत बोलने से, मेरे कुछ गलत डिसीजन से जो कि समाज के लिए या किसी के लिए अच्छे नहीं थे कभी, उसकी वजह से मेरी पत्री में वक्री बुध अब की बार परमात्मा ने जो है बैठाए हैं, बुध की स्थिति मेरी पत्री में वक्री करी गई है। तो अब आपको पहले से ही ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे क्यों, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं सबसे बड़े कम्युनिकेशन के ग्रह हैं, एक्सप्रेस करने के ग्रह हैं, अपने मन की बात कहने के ग्रह हैं, किस तरीके से कहनी है, क्या डिसीजन लेना है, कितना तेज़ी से लेना है, कितनी जल्दी से लेना है, इसके ग्रह हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले गलत करी थी, इस समय अब मुझे उनको ठीक करना है,
ये आपकी पत्री में पहली बात तो ये दर्शाते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद आपने हो सकता है कुछ किसी को गलत बोला हो, जैसे मैंने आपको बताया है, अब उसकी वजह से आप इस वक्री बुद्ध की वजह से अब की बार हो सकता है बिल्कुल ही चुप हो जाएं, बिल्कुल ना बोलें, बातों को जो है रिएक्ट ना करें। बचपना भी ऐसे लोगों का कई बार ऐसा बीतता है वक्री बुद्ध वालों का कि वो अपने आप को जल्दी जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं। ये वो वाले लोग होते हैं जो ज़्यादातर बचपने में ये कहते हैं कि भाई हमको एक्सटर्नल में कोई बात करने वाला नहीं रहा, या हम अपनी बात खुल के कह नहीं पाए किसी को। तो इनका ये जिनकी पत्री में वक्री बुध होता है वो इन चीज़ों से दो चार होकर उनको गुजरना पड़ता है अपने लाइफ में, अपनी बुद्धिमत्ता पे, अपने नॉलेज पे, अपने ज्ञान पे, अपनी बोलने की कला पे इन लोगों को संदेह होने लग जाता है जिनका बुध वक्री होता है। उसकी वजह यही है जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि पिछले जन्म में कुछ इन्होंने अपशब्द कहे हैं, कुछ डिसीजन गलत ले लिए हैं तेजी से, उसकी वजह से अब की बार बुध जो है वक्री होके इनकी पत्री में बैठा है। तो वो अब इनको ज़्यादा टाइम ये लोग लेते हैं कि बहुत सोच समझ के बोले, किससे क्या बोलना है, क्या कहना है, ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। इस मामले की वजह से कई बार वो चुप रहते हैं, डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं ले पाते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। आप इनसे पूछेंगे कोई चीज़ तो इनके दिमाग में उसको वो पूरी तरीके से प्रोसेस करेंगे अपनी नॉलेज को, उसके बाद बिल्कुल सही से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव साइड्स भी इसमें अनेक हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप एक जो नॉर्मल मार्गी बुद्ध होता है आपको वो पसंद है या वक्री बुद्ध पसंद है, तो मैं 100% कहूँगा कि वक्री बुद्ध मुझको पसंद है। वजह, क्योंकि उस समय आदमी जो है ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता है कि वो चीज़ों का आकलन सही तरीके से कर सके, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दे सके, और जो वो रिजल्ट निकाल के बाहर लेके आता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। वो रिजल्ट जो निकाल के, डिसीजंस जो बाहर निकाल के लाता है, वो आप समझ लीजिए मान्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, परफेक्शन हो उसमें परफेक्शन होती है, गलती की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वो उसकी सब ऊंचाई निचाई गलती काट छांट करके तब आपको सटीकता से बोलेंगे हर चीज़ जो उनको बोलनी है, कहाँ पे कोई उनका गलती ना हो जाए। ये ज़्यादातर टाइम भी ले लेते हैं, इसीलिए अपने डिसीजन लेने में आप देखेंगे कि जो वक्री बुध वाले हैं, जो सही पक्ष में हैं, जिनके वक्री बुध सही घर में सही भाव में बैठा है उनकी पत्री में, तो ये फिर उस चीज़ को बहुत सोच विचार करके, बहुत उसको देख करके जिस चीज़ में डिसीजन लेना है फिर वो डिसीजन लेते हैं, वो गलत नहीं होते हैं। इनकी बात बड़ी रिसर्च से ये कई फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे। आप इनसे कोई बात, इनसे कोई राय मांगिए जिनका बुध वक्री है, तो ये आपको बिल्कुल भी उड़ी उड़ी राय नहीं देंगे कि हाँ इन्होंने बस आपको, आपने पूछा इन्होंने आपको राय दे दी। ये फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे, उसके पीछे लॉजिक देखेंगे, सारी चीज़ों को मिला के तब आपको आखिरी में अपना आंसर ये लोग प्रदान करेंगे। उसकी वजह से कई बार ये स्लो महसूस होते हैं दूसरों को, कि इनके काम करने की जो गति है वो स्लो है, जबकि वो सही तरीके की नॉलेज, सुंदर तरीके की नॉलेज बाहर देना चाह रहे हैं, परफेक्शन बाहर देना चाह रहे हैं, कुछ गलत मुंह से निकालना नहीं चाह रहे हैं ताकि किसी को अपशब्द ना कह दें, क्योंकि ये पहले अपशब्द कह के आए हुए हैं। इनके अंदर जैसे पहले की वो सोच होती है, वो कार्मिक कनेक्शन होता है इनका पास्ट लाइफ से, तो उसको वो लोग सोचते हुए देखते हुए कोई गलत काम कहना नहीं चाहते हैं, अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं कि इनकी वजह से कोई डिसीजन गलत हो जाए। तो लेकिन अंततः क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब बुध पे जो है वो बुरे किसी प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही होती है, जो राहु हैं, केतु हैं, इन सब की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही होती है, तब ऐसे समय में वो कई बार कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, नर्वस स्टेट में रहते हैं, एंजाइटी, झुंझलाहट, उतावलापन, अति उत्साह फिर दिखा के वही गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अब की बार वक्री बुध उनकी पत्री में स्थापित किया गया है, बैठाया गया है कि सोच समझ के उनको जवाब देना है, सोच समझ के उनको डिसीजन लेना है,
परिवर्तन इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इन लोगों को आप ये कह सकते हैं हर चीज़ के फैक्ट्स इकट्ठा करना, लॉजिक ढूंढना, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होना, ये वो लोग आप लोग देखेंगे जब एग्जाम्स के दौरान बैठते हैं तो उसने अपने अपने क्वेश्चंस के बारे में, अपने आंसर्स के बारे में 10 बार सोचेंगे, उसको सही तरीके से मिलाएंगे, पास्ट हिस्ट्री, इनको पास्ट का नॉलेज की देखने की, उसको सोचने की, उसके ऊपर सोच के तब आगे की तरफ काम करने की अद्भुत शक्ति होती है बकरी बुध वालों को, और उसके बाद उससे तालमेल बैठा के तब ये अपना आंसर लिखेंगे, और जब ये अपना आंसर लिखेंगे तो यकीन मानिए ये ज़्यादातर इनको ये 100 में 90 यानी 95 वाले जो बच्चे अगर होंगे तो उनकी बकरी बुध उनका हो सकता है उनकी पत्री में, क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत सटीक होते हैं, वो लोग बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, वो कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत नाप तोल के काम करते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, अपने दिमाग में पूरी कैलकुलेशन करके तब किसी बात का आपको जवाब देते हैं। मैं यही कहूँगा बकरी बुध वालों के लिए कि इन लोगों को अति उत्साह से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें इनके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। कई बार इन लोगों को ये लोग अति उत्साह में इस तरीके के डिसीजन ले जाते हैं। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखनी चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार ये लोग मौन हो जाते हैं डर के मारे, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं लोगों के सामने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने नहीं रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना, बोलना, उनसे मिलना और अपनी बात रखना इन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। इन लोगों को चाहिए कि शायद ये लोग ऐसा समझते हैं कई बार बकरी बुध वाले कि हम अपने मुंह से ना भी कोई चीज़ बोलें तो हमारे एक्शंस के द्वारा वो चीज़ शो हो जाए, तो एक्शन से भी ये लोग बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, संकेतों से, इन चीज़ों से, और ये लोग संकेत पढ़ने, संकेत की भाषा पढ़ने में, मन की भाषा पढ़ने में इन लोग ज़्यादा तीव्र होते हैं, ज़्यादा चतुर होते हैं, ज़्यादा कुशल होते हैं, इनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक बार ज़बान से चोट खा चुके होते हैं, तो मेन ये लोग सोचते हैं हम अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत सटीक, बहुत सुंदर रखें, हम किसी को दिल ना दुखाएं, हम सही बात बोलें, हमारे द्वारा कोई डिसीजंस गलत ना हो जाए, हमारे द्वारा कोई डीलिंग, कोई बेचने खरीदने की बात अगर आती है तब भी हम लोग बुध को देखते हैं, क्योंकि नेगोशिएशंस करनी है, बात करनी है किसी प्रकार के व्यापार में भी, तो हम एक्यूरेट हों, सारी चीज़ें हों, तो इन लोगों के अंदर ये शक्ति होती है जिसको ये लोग कलेक्ट करके उत्तम से उत्तम चीज़ बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन बकरी बुध वालों को चाहिए कि हमेशा वो अपनी बात रखें, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपनी जो इनका ज्ञान है उसके ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि इनके अंदर अतः भंडार होता है नॉर्मल बुध से कहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनके पास, मैंने बताया, पास्ट की शक्ति होती है, और उसकी वजह से कई बार ये लोग कई पुरानी बातें सोचते भी रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों किया ऐसा, वो चीज़ ऐसी क्यों हो गई थी, वो ऐसा क्यों हो गया था, तो उसकी वजह से भी कई बार ये लोग डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन उस डिस्टर्बेंस से भी फिर जो बाहर अपने लिए लॉजिक और रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो किसी प्रकार का रिसर्च करना और उस चीज़ का रिजल्ट निकालना इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है जिनका बकरी बुध होता है। इनकी जैसे छठी इंद्रिय जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, आप ये कह सकते हैं जिनका बकरी बुध है, आप एक तरीके से इसको आसानी से यूँ समझ सकते हैं कि इनके अंदर कुछ इंट्यूशन पावर, छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। और वो छठी इंद्रिय क्या होती है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि कुछ गलतियाँ इन्होंने पिछले जन्म में करी हैं, कुछ डिसीजन जल्दीबाजी में ले ली हैं, त्वरित बोल गए हैं, किसी का अपमान कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी पत्री में अब की बार बकरी बुध मिला है। तो ज़्यादा कैलकुलेट करना, ज़्यादा सोचना उस चीज़ के ऊपर, लोगों से ज़्यादा समय ले लेना, जिसकी वजह से कई बार इनको डल मान लिया जाता है, जिसकी वजह से कई बार इन लोगों को स्लो मान लिया जाता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन इनके अंदर दूरदर्शिता बहुत होती है, उसी पे इन लोगों को चलना चाहिए, अपने ज्ञान पे, अपने नॉलेज पे इन लोगों को बहुत विश्वास रखना चाहिए। इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, जिनकी पत्री में मार्गी बुद्ध बैठे हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा इनके अंदर ज्ञान की शक्ति होती है। वो अलग बात है कि वो किस तरीके से निकल रही है या नहीं निकल रही है, क्योंकि कई दफ़ा ये लोग मौन रहना पसंद करते हैं, ना बोलने वाले होते हैं,
गूढ़ विद्याओं में, रिसर्च में, इन सब लोगों का, जो वक्री जिनके बुद्ध हैं पत्री में, उन लोगों का बहुत मन होता है, उस तरफ ये लोग बहुत आकर्षित होते हैं अपने जीवन में। मेरे हिसाब से जो है वक्री बुद्ध जो है बहुत शुभ ही करता है, किसी प्रकार की भी आपको झुंझलाहट, परेशानी, इन सब की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा टैक्टफुल हैं, बहुत कैलकुलेटिव हैं, बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके ऊपर, तब कोई निर्णय लेते हैं। तो आप जान सकते हैं वक्री बुद्ध के निर्णय कभी ज़्यादा गलत नहीं होंगे। हाँ, इन लोगों को अति जो है उत्साह से बचना चाहिए, त्वरित उनको डिसीजंस लेने नहीं चाहिए, किसी को तुरंत गलत बोल नहीं देना चाहिए। वजह क्योंकि यही इनकी परेशानी का कारण पहले भी बना था, और कई इनका ये भी आदत होती है कि कई बार ये अपने डिसीजन अंतिम समय में ये रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं सोचते हुए, तो कई बार वो जो है इनका शुभ होता है और कई बार इनका जो है उससे नुकसान भी हो जाता है। तो इन लोगों को डिसीजंस लेने से पहले, क्विक डिसीजन लेने से पहले, आखिरी समय में उनको डिसीजन अपने चेंज ना करने पड़े, जिसकी वजह से कई लोगों को तकलीफ या दुख ना आने पाए, तो अपने डिसीजन को पहले से अच्छे सोच लेना चाहिए, अपनी नॉलेज पे, अपनी विजडम पे। जैसे मैंने कहा, इन लोगों को हमेशा विश्वास रखना चाहिए, और इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल नॉलेज है, अपनी पहले की नॉलेज इन लोगों की चली आ रही है, इनके पास पहले का ज्ञान है, हर तरीके की पहले रिसर्च करके, जैसे मैंने आपको बताया, चीज़ें इकट्ठी करके तब कोई काम करने के लिए आगे के लिए सोचते हैं। व्यापारिक बुद्धि इनकी इतनी तेज होती है, समझ इनकी इतनी तेज होती है, कहाँ से गलती हो सकती है, कहाँ से गलतियाँ निकल सकती हैं, ये सब ढूंढने के ज़्यादा पक्षधर होते हैं। उसके साथ साथ वक्री बुद्ध वाले को ये करना चाहिए कि अपने बोलने की एबिलिटी जारी रखना चाहिए, एकदम से चुप नहीं हो जाना चाहिए, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान, इन सब में विश्वास रखना चाहिए। उनसे अच्छी नॉलेज किसी की नहीं होती, वक्री बुद्ध से अच्छा जो है समझ किसी के पास नहीं होती है। छठी इंद्रिय, मैंने आपको बताया, जैसे इनकी सक्रिय होती है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, इनको सबसे अच्छा मालूम है, बेस्ट आंसर ये आपको देंगे अपने दिमाग में कैलकुलेट करके। आप अगर इनसे कोई बात पूछेंगे, इतने सटीक होते हैं कई दफ़ा कि इनका आंसर आप कह सकते हैं कि दो शब्दों में इनका आंसर आ सकता है, और बहुत बहुत ही सही होता है कि ये, आप अगर इनसे कोई बात पूछेंगे तो कभी ये लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल उनका आंसर ऐसा ही हो सकता है, और कभी जब इन लोगों को उस चीज़ के बारे में मना करना होगा तो बड़ी सटीकता से आपसे एकदम से कह देंगे कि बिल्कुल नहीं। तो ये लोग इतने ज़्यादा सटीक होते हैं कि उस कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर निकल के, जब वक्री बुद्ध बाहर निकलता है तो इस प्रकार के उत्तर देने का उसके अंदर सक्षम होता है, इतनी ताकत होती है कि वो किसी चीज़ को सटीकता से नाप के, तौल के, उसके अच्छाई बुराई देखता हुआ उसको हाँ और ना में सिर्फ जो है परिवर्तित कर सकता है। बस इन लोगों को चाहिए कि अपनी ज्ञान पे, अपनी सोच पे, अपने विवेक पे पूरा पूरा विश्वास करें, क्योंकि ये लोग ज्ञान के भंडार हैं, इनके पास पहले की भी एनर्जी होती है, ये लोग जो पहले इनके साथ जीवन में इंसिडेंट हुए होते हैं, इनके साथ पुरानी लाइफ जो इनकी निकली होती है उससे सीखते हुए भी, उसको भी दिमाग में रखते हुए सारे ये लोग डिसीजंस अपने जो है प्रोसेस करते हैं। बस डिसीजंस में देर ज़्यादा ना हो जाए, कोई एक्टिव डिसीजन इन लोगों को लेना हो, इंस्टेंट डिसीजन लेना हो, वो एकदम से तेज़ी से लेके गलत ना ये लोग कर दें, किसी से गलत बोल ना जाए, उसके पीछे ये लोग वैसे भी सतर्क रहते हैं और इन लोगों को सतर्क रहना भी चाहिए। वक्री बुद्ध वाले बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत बुद्धि होती है, उन बुद्धि को सही तौर पर इस्तेमाल करना, सही तरीके से लगाना, उसको प्रोसेस करके इनको बाहर निकालना, लोगों से बात करना, मिलना जुलना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, चाहे वो किसी भी भाषा में रखने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने कहा इन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग, बाहर निकल के बात करना आना चाहिए। अगर इन लोगों को ये लगता है कि इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी बात में अपने रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लोग डायरी मेंटेन कर सकते हैं, किसी प्रकार के अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब में अपनी इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कभी नेगेटिविटी में, कभी लो, डिप्रेस, कभी अपने आप को स्लो इस तरीके से महसूस होने लगें कि इनकी कम्युनिकेशन प्रोसेस सही नहीं जा रहा है, तो वहाँ बात कर सकते हैं, तो उससे उनकी स्थिति सुधरेगी, सुंदर होगी। और बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत एक्यूरेट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं,
बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 100% होते हैं। मैंने आपको बताया एक नॉर्मल बुध और वक्री बुध दोनों के काम करने के तरीके में बहुत फर्क होता है। एक नॉर्मल बुध फिर वही गलती कर सकता है कि वो तुरंत जवाब दे देगा, बहुत ज़्यादा किसी का अपमान कर सकता है, तेज़ी से काम करते हुए डिसीजन गलत ले सकता है। लेकिन वक्री बुध 10 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा, तब आगे बढ़ेगा। इसीलिए इन लोगों को कभी स्लो, कभी चुप रहने वाला, कभी लोगों से मिक्स ना होने वाला, कभी बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट्स में चीज़ों में टाइम लगा देने वाला कहा जाता है। लेकिन जो वक्री बुध की रिजल्ट होते हैं वो नॉर्मल मार्गी बुध से बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। इनके पास ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा नॉलेज होती है, पास्ट नॉलेज जो इनकी पीछे से चली आ रही है, जो इनको हेल्प करती है, अब उन चीज़ों को देखते हुए, लेते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए आज के लिए कोई डिसीजन लेना, आगे के लिए कोई डिसीजन लेना। इसलिए जो वक्री का बुध, वक्री बुध होते हैं, तब देखिए आप व्यापार में भी जो है काफ़ी चढ़ाव आ जाता है। मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि जब नॉर्मली भी वक्री बुध गुजर रहे होते हैं साल में 3-4 दफ़ा, उस समय तेज़ी आती है। वजह यही है, जो लोगों की सोचने और समझने की शक्ति होती है वो इफ़ेक्ट होती है, वो डिसीजंस जो हैं अच्छी तरीके से उसको प्रोसेस करके तेज़ी से लेते हैं, तो मार्केट में भी, बिजनेस में भी जो है उछाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अब कि जब वक्री बुध पत्री के अलग अलग भावों में बैठे होते हैं तो किस प्रकार के फल देते हैं सबको। दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा पहले कि वक्री बुध जो है किसी भी भाव में बैठे होंगे, उस भाव में कोई अलग सी एक विशेषता अवश्य प्रदान करेंगे वो, ये इनका गुण होता है। जब वक्री बुध किसी की पत्री में किसी भी भाव में बैठा हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो विशेष गुण एक उस घर से संबंधित। तो दोस्तों जब पहले घर में जो है बुध बैठे होते हैं किसी की पत्री में वक्री, तो बहुत ज़्यादा जो है उत्साही होता है जातक अपने एक्शंस को लेके, अपनी बोलचाल की भाषा में, और बहुत सुंदर डिसीजंस लेने के पक्ष में होता है, सोच समझ के काम करता है, अपनी वृद्धि करता है, इस तरीके के काम करता है जिसमें कि वो अपनी वृद्धि जो है हमेशा करता रहे, धन के मामले में, ज्ञान के मामले में, चाहे शारीरिक मामले में, हमेशा कैलकुलेटिव रहता है कि किस तरीके से उसका फ़ायदा हो, किस तरीके से वो ऊपर से ऊपर अपने जीवन में बढ़ता रहे। बहुत ज़्यादा ही प्रतिस्पर्धा की भावना होती है ऐसे जातकों में जिनके पत्री में पहले घर में बुध बैठा होता है, और अपनी ज्ञान से, विवेक से, इंटेलिजेंस से ये लोग आखिरी क्षण में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, माननीय सम्माननीय होते हैं। हर जगह से इन लोगों को जो है सराहाया जाता है इनकी बुद्धि के लिए। यहाँ पे जो है कभी कभार इनके अंदर ये देखा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह कई बार इन लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जा सकता है, इसीलिए इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों जब वक्री ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है किसी जातक की पत्री में, तो सुंदर स्थिति है ये भी। ऐसे में जातक जो है अच्छे सोचने समझने की शक्ति होती है, उसमें वृद्धि होती है, हर प्रकार से बुद्धिमान होते हैं, भीड़ से अलग होते हैं इस विषय में कि उनके जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाहर रखते हैं, अपने कैलकुलेटिव ढंग से सोच समझ के, वो बहुत सुंदर होता है, वो माननीय होता है, सम्माननीय होता है, लोग उसको मानते हैं उस बात को। और दोस्तों हर प्रकार का जो है इन लोगों को जो भी ये लोग पैसा लगाएंगे, जिस चीज़ से भी पैसा कमाने की सोचेंगे, उसमें भी 10 बार उसकी रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो तब ये लोग जो है धन में अपनी पैसा लगाएंगे, उस तरफ बढ़ेंगे। इनको नुकसान होने की जो है समस्या या नुकसान किसी भी वजह से हो, उसका आकलन करेंगे, तो इनको कम चांसेस रहते हैं वक्री बुध वालों को कि वो अपना धन जो है ऐसे ही गंवा दें किसी चीज़ में। हाँ, कभी कभार इसके ऊपर जब कोई कुदृष्टि किसी ग्रह की पड़ रही हो, खराब दृष्टि पड़ रही हो, तो स्पीच से रिलेटेड इनको कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को फिर वो गलत बोल जाते हैं तैश में, तेजी में। यहाँ पे इन लोगों को यही सोचना चाहिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे जब वक्री बुध की शुरुआत में वीडियो में, कि इनको धीरज से सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इनके पास सारी प्रकार की इंटेलिजेंस है, सुंदरता है, तो किसी प्रकार की भी इन लोगों को बोलने में किसी प्रकार से कटुता नहीं रखनी चाहिए किसी से। दोस्तों
तीसरे घर में जब किसी के वक्री बुद्ध बैठा होता है तो अपने भाई बहनों की जो है वो मदद करने वाले होते हैं, हालांकि इनके भाई बहन इनके प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं। हर प्रकार की रिसर्च, हर प्रकार के कामों को करना एक ऐसे ही ये लोग नहीं करते हैं। जब तीसरे घर में वक्री बुद्ध बैठा होता है, हर प्रकार के फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे, हर प्रकार की नॉलेज इकट्ठा करेंगे और उसके बाद कोई रिजल्ट निकालेंगे। तो इस मामले में बहुत गूढ़ होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं इस मामले में, बहुत गहन परख करके तब ये लोग किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं और उसका जो है वो सुंदर परिणाम मिलता है। कभी कभार यहाँ पे बुद्ध के ऊपर कोई खराब दृष्टि पड़ रही हो या कोई खराब युक्ति हो तो सोचने समझने के साथ साथ याद करने की या किसी चीज़ को भी ध्यान लगाने की जो उनकी ताकत होती है उसमें थोड़ी कमी आती है, अटेंशन इनका इधर उधर हो जाता है दसियों तरीकों में, चाहे वो आप किसी अनवांटेड चीज़ों में उनका ध्यान चला जाए या पढ़ाई से इधर हो जाए या कई मित्रों में या इन सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स में या खेल कूद में उनका ज़्यादा मन लगा रहे। तो जब वक्री बुद्ध होता है तीसरे घर में तो ज़बरदस्त सुंदर एबिलिटी होती है उनको काम पूरे करने की, अपने डिसीजंस को पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग। आप ये समझ लीजिए कहीं रिसर्चिस के बाद तो ये इनके अंदर की स्किल होती है और ध्यान भटकना इनकी प्रॉब्लम होती है। रिस्क टेकर्स होते हैं, नई नई बात, कोई पुरानी चीज़ हो, कोई बंद पड़ी हुई बिजनेस हो, कोई पुराने प्रोजेक्ट्स हो, उसको जिंदा करना इनको आता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये लोग जो हैं उसकी पूरी गहन रिसर्च करके तब उसका आउटपुट निकालते हैं। दोस्तों चौथे घर में जब किसी के वक्री बुद्ध बैठा होता है तो हर प्रकार का इनको विलासपूर्ण जीवन प्राप्त होता है, जिसमें घर मकान माता समाज सब में वृद्धि सब में सुख इनको प्राप्त होता है। हमेशा जो है अपने फायदे के लिए सोचते हैं, समाज से बहुत सुंदर तरीके से जुड़ते हैं, इनकी बात लोग मानते हैं समझते हैं, इनके द्वारा किए गए सारे बिजनेस, इनकी जो सोच होता है, इनकी जो मन होता है उसकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं इनकी वजह से, वक्री बुद्ध की वजह से। वजह क्योंकि इनके जो टैक्टिक्स होते हैं, इनके जो तौर तरीके होते हैं वो अलग होंगे, बहुत सुंदर बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत सुंदर तरीके से अपने लिए सुख खरीद पाएंगे। हमेशा से सुख कैसे ये लोग प्राप्त कर पाएं, इन लोगों के पास ये अद्भुत शक्ति होती है। दोस्तों पांचवें घर में जब वक्री बुद्ध किसी की पत्री में बैठे होते हैं तो बहुत सुंदर संतान प्राप्त होती है, वो लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। जो जिनके वक्री बुद्ध बैठे होते हैं पांचवें घर में वो अपने संतान से बहुत सुंदर से अच्छे से बात करते हैं, अपनी बात अच्छी तरीके से उनकी तरफ पहुंचाते हैं। अपने प्रेम जो जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ भी जो है इन लोगों का मधुर संबंध होता है, उनसे भी बड़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं, लेकिन इनको अपनी बात अच्छे से पहुंचानी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनको रखना चाहिए। ये लोग बहुत सुंदर गुड थिंकर्स होते हैं, बहुत अच्छा सोचने वाले होते हैं, इनके पास बड़ी अच्छी शक्ति होती है। जब पांचवें घर में वक्री बुद्ध बैठा हो इतने अच्छे लेवल के सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके के इनके तरीके होते हैं लोगों को समझाने के, चीज़ों को समझने के, कि ये लोग बहुत सुंदर गुरु टीचर बन सकते हैं। दोस्तों हर प्रकार का आप ये समझ लीजिए उस तरीके के गेम, उस तरीके की चीज़ें इनको पसंद होती हैं जिसमें दिमाग लगता हो, जैसे चेस वगैरह हो जाता है। दोस्तों तो पांचवी घर की भी पोजीशन वक्री बुद्ध की बहुत सुंदर है। यहाँ पे छठे घर में जो बुद्ध बैठे होते हैं तो कई प्रकार की इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई कष्ट आते हैं, कई अनचाहे दुश्मन चले आते हैं। कई बार ये लोग यहाँ पे वक्री बुद्ध जो है आसानी से आप उसको कुछ गलत बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ जो है ये लोग बढ़ सकते हैं अपने बोलने की वजह से। कई बार रूढ़ हो जाते हैं लोगों से, जो चीज़ इन लोगों को सीखनी चाहिए, जो इन लोगों को पहले से पता होती है, गलती करके आए होते हैं, इसीलिए वक्री का बुद्ध बैठा हुआ है इनकी पत्री में। और अगर छठे में बैठा है तो फिर से इन लोगों के लिए टेस्ट है कि किसी प्रकार से लोगों से लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, उचित तरीके से बोलें, अपनी समझ से अपने ज्ञान से इन चीज़ों से बचें, अपने उन जो दुश्मन हैं छुपे हुए उनसे भी बचें, अपने ज्ञान और समझ और अपने बोलने की शक्ति से। बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं,
यहाँ मैं ये बता सकता हूँ, जब छठे घर में बुद्ध बैठे हों बकरी होके, किसी काम को बड़ी सटीकता से करेंगे, उसका पूरा आप समझ लीजिए सिनॉप्सिस करके, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना बचे, हाइजीन के लिए, हेल्थ के लिए भी यहाँ पे ओवर सतर्क रह सकते हैं यहाँ पे लोग। ये भी बहुत सुंदर बात देखने को मिलती है, जब छठे घर में बकरी बुद्ध बैठे होते हैं, जब सातवें घर में बकरी बुद्ध बैठे होते हैं, तो अपनी जो पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, उनके साथ अच्छी तरीके से वार्तालाप करने वाले होते हैं, अपने मन की बात बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं बात करने में, लड़ाई झगड़े की संभावना कम रहती है। हाँ, हालांकि कभी कभार अगर वो नहीं बोलेंगे, अगर उनका पार्टनर कोई तेज़ बोलने वाला है, गलत बोल रहा है, तब वो मौन के मूड में भी जा सकते हैं कि कम बोलने का, फिर उनको प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। पार्टनरशिप भी दोस्तों, उनको अपने पार्टनरशिप में भी बड़ा ध्यान एहतियात से पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप अगर करें तो चुनना चाहिए, और वैसे ही शादी में भी, अगर शादी भी करें तो उनको बहुत सोच समझ के शादी करनी चाहिए, क्योंकि जब बकरी बुद्ध बैठे होते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल की अगर उनका पार्टनर आए, पार्टनर बहुत सुंदर आएगा, अच्छा समझ और ज्ञान वाला होगा, लेकिन कहीं अगर उनका पार्टनर उनके अनुरूप ना मिल जाए, तो फिर वो उस चीज़ के बारे में कई बार सोचते रहते हैं कि उन्होंने गलती कर दी। ये चीज़ उनको सोच समझ लेनी चाहिए जब विवाह बंधन में बंध रहे हों, और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी भी प्रकार की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए सुंदर पार्टनर चुनिए। बिजनेस में भी अपनी बात उनकी तरफ रखिए, उसमें इन्वॉल्व रहिए, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं आपके ज़्यादा अच्छे तौर तरीके, आपको ज़्यादा ज्ञान मालूम है, आपको अपने आप से काम करेंगे तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसमें पूरी तरीके से क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के नुकसान उसमें हो सकता है दोस्तों उठाने पड़े। हम लोग बात करते हैं जब बकरी बुध आठवें घर में बैठे होते हैं, तो हर प्रकार के अध्यात्म में की तरफ, धर्म की तरफ, फिलॉसफी की तरफ आदमी बढ़ता है, उस तरफ उनका दिमाग होता है दोस्तों, जब आठवें घर में बकरी बुध बैठा होता है। कभी कभार अपनी स्पीच की वजह से एकदम से अचानक किसी को कुछ गलत बोल जाते हैं ये लोग, क्योंकि आठवें घर में जब बकरी बुध बैठा होगा तो उनकी जो सामने दृष्टि होगी वो दूसरे घर पे होगी, तो ना चाहते हुए भी इनके मुंह से कभी कभार कुछ गलत निकल जाता है, तो इन लोगों को उसमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अचानक से इनको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो जाता है, कुछ इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए होते हैं सोच समझ के, कैलकुलेट करके, जो इनको अचानक से जो है धन प्राप्ति भी हो जाती है, लंबी जिंदगी होती है, लॉन्ग लाइफ देता है यहाँ पे बकरी बुध। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े ज्ञानी होते हैं, रिसर्चर होते हैं, हर प्रकार की इनको बुद्धि विद्या में निपुण होते हैं, लेकिन यहाँ पे बकरी बुध आखिरी समय में कई बार इनकी बुद्धिमानी पे जैसे ग्रहण लगा देता है, आखिरी समय में इनको इनकी विद्या धोखा दे देती है, जैसे कर्ण को आखिरी समय में धोखा मिल गया था दोस्तों। इसके लिए इन लोगों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए अपने जीवन में। जब नौवें घर में किसी के बकरी बुद्ध बैठे होते हैं तो बहुत सुंदर चीज़ है, इंटेलिजेंट होते हैं, हर प्रकार के लॉजिकल होते हैं, जब बकरी बुद्ध बैठे होते हैं तो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत सुंदर यहाँ पे चीज़ें, हर प्रकार के फायदे होते हैं, धर्म से भी हर प्रकार का, धर्म के ऊपर विश्वास, धर्म पे चलना, एजुकेशन इनको बहुत लंबी पूरी प्राप्त होती है। हाँ, किसी प्रकार की अगर कठिनाई आ रही है इस बुद्ध के ऊपर, तब इनकी एजुकेशन में कभी कभार ब्रेक लगती भी हुई देखी जाती है, जब नौवें घर में बकरी बुद्ध बैठे हों, तब कई बार ये लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अन्यथा जो है ये बहुत सुंदर स्थिति है, यहाँ पे इनको अपनी बुद्धि पे, अपने विवेक पे, अपने ज्ञान पे, अपनी विजडम पे, अपने कम्युनिकेशन पे, लोगों से मिलने जुलने की शक्ति से इन लोगों को जो है काम लेना चाहिए, हर प्रकार से इनका शुभ होता है। जब बकरी बुद्ध जो है दसवें घर में बैठता है, ये सबसे सुंदर उपचय स्थान है बुद्ध का बैठने के लिए बकरी होके, क्योंकि हर प्रकार का सुख इनको प्राप्त होगा, काम में, पैटर्नल प्रॉपर्टी, वेल्थ में, हर चीज़ को, घर परिवार, इनको शोहरत, बुद्धिमानी, ज्ञान, रिकग्निशन, पोजीशन, सब कुछ मिलेगी, और इन्हीं से उनको दुख प्राप्त होगा। कौन कौन सी बातों में? अगर ये कोई डिसीजन गलत ले रहे हैं, जल्दीबाजी में ले रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तेज़ी से काम कर रहे हैं,
अब उसके बारे में जो सही तरीके से सोच नहीं रहे हैं, तो इन लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों में तकलीफ भी उठानी पड़ जाती है दोस्तों। वक्री बुद्ध किसी की पत्री में अगर 11वें घर में बैठे हों दोस्तों, हर प्रकार के धन प्राप्त होते हैं, लंबी जिंदगी लॉन्ग लाइफ प्राप्त होती है, हर प्रकार के सुंदर मित्र प्राप्त होते हैं, और यहाँ पे ही मित्रों की वजह से कई बार इनको दुख भी प्राप्त होता है। अगर उनके साथ इनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में, इनके साथ उठने बैठने में किसी प्रकार की ये लोग जो हैं झुंझलाहट उत्साह ज़्यादा दिखा दें प्रवृत्ति में, तो कई बार इनका दोस्त नुकसान भी कर बैठते हैं, उनकी वजह से इनको नुकसान भी हो जाता है। और फिर हर प्रकार की आप समझ लीजिए उनसे ही रिलेटेड, दोस्तों से, बड़े भाई से रिलेटेड इनको फिर दुख या परेशानी उठानी पड़ती है। अन्यथा 11वें घर में जो वक्री बुद्ध है वो हर प्रकार से धन बनाना जानता है, उसके पास नॉलेज है किस प्रकार से धन बनाया जाता है, कौन कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जिससे धन आप क्रिएट कर सकते हैं। इससे सुंदर प्लैनेट, वक्री बुद्ध से सुंदर प्लैनेट पैसा कमाने के लिए 11वें घर में कोई नहीं हो सकता है दोस्तों। जब वक्री बुद्ध जो है 12वें घर में किसी की पत्री में बैठा हो दोस्तों, तो आदमी जो है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत डीप साइकोलॉजी होगी उसमें, बहुत सोचेगा, इतना हद तक कि वो उससे बाहर कैसे निकले उसको ये समझ में नहीं आएगा। वो पुरानी यादें, अपने पुराने संदर्भों को याद करता हुआ धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ता हुआ इस तरफ रहता है कि कई बार उसको बाहर कब निकलना है उसको ये भी नहीं ज्ञात होता है। कभी कभार जो है यहाँ पे धर्म मिलता है उसको, हर प्रकार के वो अपने लॉसेस को रोक सकता है, इतना विवेक ज्ञान बुद्धि देता है बुद्ध कि हर प्रकार के वो लॉसेस को रोक सके, बाहर से पैसा कमाने की अच्छी वृत्ति देता है। यहाँ पे जब वक्री बुद्ध बैठा होता है 12वें घर में सुंदर तरीके से हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर यहाँ पे बुद्ध किसी प्रकार से ट्रबल में, कहीं अपने सुंदर घर का प्लैनेट होके अगर 12वें घर में बैठा हुआ, तो कई बार इन लोगों को जो है दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है, खराब नींद इनके जीवन में फिर जो है प्रॉब्लम बनती है, इन लोगों को कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, लॉसेज की तरफ ये लोग बढ़ सकते हैं अपने उसी गलत डिसीजंस की वजह से, तेजी की वजह से, बिना सोचे समझे काम करने की वजह से इन लोग अपने कुछ फैसले ऐसे ज़िंदगी में ले लेंगे जो इनको लॉस की तरफ फिर ले जाएं। तो दोस्तों आखिरी में यही कहूँगा, जिनकी पत्री में भी वक्री बुध है उनके लिए सिर्फ एक ही सबक है, एक ही चीज़ ध्यान रखने योग है, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत विवेकी हैं, बहुत ज्ञान है उनके अंदर, सोच समझ के काम करिए, जो भी काम करना है दो बार सोच लीजिए, जो आपका आपका गुण है, जो आपकी शक्ति है, जो आपकी ताकत है, बोलने में आप बहुत निपुण हैं, बोलने में आप बहुत कुशल हैं, बिल्कुल चुप ना रहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्लीपिंग मोड में, मौन मोड में चले जाइए, जो भी बोलिए अच्छा, आप अच्छा बोल लेते हैं तो बिल्कुल आप रुकिए नहीं, आप ये ना सोचिए कि मैं बोलूँगा तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सब कुछ सोच समझ के बोलेंगे तब कुछ भी गलत नहीं होगा, आप जो भी बाहर निकालेंगे वो बहुत सुंदर निकालेंगे, जो भी आप काम करेंगे वो बहुत सुंदर होगा, आपके जैसे सुंदर बोलने वाला, सुनने वाला, किसी प्रकार के लाइजनिंग में लोगों से मिलजुल के काम करने वाला और कोई नहीं हो सकता है जो वक्री बुद्ध वाले लोग होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं, जय श्री कृष्ण दोस्तों।